नमस्कार दोस्तों, डीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो कि पटवारी में बच्चों के कुछ बच्चों के नंबर सुनने में आ रहे हैं, 99, 98, 97 या 96, 95, ऐसे नंबर जो सुनने में आ रहे हैं बच्चों के, इसके पीछे क्या मामला हो सकता है, एक्चुअली हो क्या रहा है। इस बार जो व्यापम है उसने अपने सॉफ्टवेयर थोड़ी चेंज किया हुआ है। इसके पहले एग्ज़ामों में क्या होता था, जब जो भी हम एग्ज़ाम देते थे तो जब उसे हम सबमिट करते थे तो डायरेक्ट हमारे मार्क्स आते थे, आपके 100 में से जितने भी मार्क्स हैं वो शो करते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जब हम एग्ज़ाम सबमिट करते हैं तो उसमें क्या है, पहले आपने 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो आपको बता रहा है। तो इस चक्कर में कई बच्चे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो इन्हीं अटेम्प्ट क्वेश्चंस को अपने मार्क्स समझ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए इतने नंबर लाना काफ़ी मुश्किल बात है। तो उस हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, तो जब मैंने एग्ज़ाम सबमिट किया तो जो उसका, जब हम सबमिट करते हैं तो पहले टोटल अटैम्प्ट मार्क्स बता, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 81 मार्क्स हैं, तो जब मैंने सबमिट किया तो पहले अपने जो, तो मैंने तो पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पर जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहले कभी उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो वो उन्हें पता नहीं रहता कि पूरे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरे कई बच्चे एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं। तो जब वो सबमिट करते हैं तो जैसे उन्होंने 100 में से 98 अटेम्प्ट किए, 2 उनके छूट गए या कुछ भी हुआ, तो वो इन 98 को अपने मार्क्स समझ रहे हैं जो कि उनके अटेम्प्ट मार्क्स हैं। तो ये हो रहा है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों के 90 इतने मार्क्स आ नहीं पा रहे हैं, आ भी सकते हैं, बट जो बच्चा पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, इससे पहले कभी एग्ज़ाम नहीं है, उसके लिए इतने नंबर लाना काफ़ी मुश्किल बात है। तो यही कुछ डाउट था लोगों के मन में कि इतने नंबर आ रहे हैं बच्चों के, कट ऑफ इतना जाएगा उतना जाएगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है इतने नंबर लाने के पीछे। तो बस आज का लेसन मेरा यही था। तो आज की वीडियो में बताने का मकसद मेरा यही था कि आप घबराएं नहीं, रिज़ल्ट आने का वेट करें, और आपके जितने भी मार्क्स हैं आप वेट करें, आपका एग्ज़ाम जो भी होगा आपका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। धन्यवाद।